सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी फरियादी को 30 दिन के अंदर 9,94,800 रुपये का भुगतान करे। उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला। दैनिक भास्कर माई 3 फरवरी 2020 की लेटेस्ट न्यूज़। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा की हर एक पल पल की खबर वो देते हैं जो हमें मिलती है। दोस्तों, अभी अभी हमें जो खबर मिली है वो 2 घंटे पहले मिली है। खबर क्या है ये सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आपने अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्री राम दिनकर, संजय सदस्य संजय शर्मा और नीता गुप्ता के सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक मामले में आवेदिका को 9,94,800 रुपये 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही इस राशि का अदायगी दिनांक 7% ब्याज और 3,000 रुपये सेवा में कमी और 2,000 रुपये परिवाद व्यय देना आदेश दिया। एडवोकेट वरिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में सटई रोड के की नीलम पत्नी श्यामू मिश्रा द्वारा सटई रोड की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 30 अप्रैल 2012 को सहारा इसाइन योजना में 21 खातों में 15,000 रुपये 3,00,000 रुपये जमा किए। 84 माह के बाद 30 अप्रैल 2019 को 7,06,380 परिवादी को मिलने थे, लेकिन सहारा सोसाइटी द्वारा निर्धारित समय में राशि नहीं दी गई। 23 मई 2019 को नोटिस भेजने के बाद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद परिवादी ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। फोरम के अध्यक्ष श्री राम दिनकर ने सदस्य नीता गुप्ता और संजय शर्मा के मामले में अवलोकन करते हुए सहारा सोसाइटी इंडिया कार्यालय सटई रोड को आदेशित किया, जिसमें कहा गया कि परिवादी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करें। वहीं 30 दिन के अंदर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी परिवादिनी को 9,94,800 रुपये प्रदान करे। इस राशि पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक 17 जून 2019 से अदायगी दिनांक तक 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करे। इसके साथ ही 30,000 रुपये सेवा में कमी के रूप में और 2,000 रुपये परिवाद व्यय के अदा करे। साथ ही 30,000 रुपये सेवा में कमी के रूप में 3,000 रुपये सेवा की कमी के रूप में 2,000 रुपये परिवाद व्यय दे। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।